हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मंडावा की गलियों को एक्सप्लोर करते हुए आज है पार्ट टू। तो चलिए चलते हैं। अब थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, लेकिन आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, तो ज़रूर देखिए। आप लोगों को मेरा ट्रेवल ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मेरा चूरू टू मंडावा ब्लॉग भी ज़रूर देखिए। और लास्ट व्लॉग में हम लोगों को यहाँ मंडावा के एक शॉप ओनर ने मंडावा की हिस्ट्री वगैरह बताया था। और अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर हवेली है और बहुत सारे हवेली को चेंज करके होटल वगैरह बना दिया गया है। तो अभी हम लोग उसको देखने जा रहे हैं और मंडावा की मार्केट से होकर गुज़र रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हवेली वगैरह ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस अभी हम लोग चल कर जा रहे हैं। और यह है होटल राधिका हवेली, जो कभी हवेली हुआ करती थी उसको अभी होटल बना दिया गया है, जो अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और यहाँ की पेंटिंग्स वगैरह लाजवाब है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। हम लोग को आज ही वापस जाना है, इसलिए हम लोग अभी आ गए। आप लोगों का लूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपका? नहीं, यू बोथ आर सिस्टर्स। नाम बता देना आप लोगों का। अमिता एंड सॉरी रुचिका। होटल राधिका हवेली, जो कभी हवेली हुआ करती थी, अभी इसको होटल बना दिया गया है। और अभी हम लोग जिस पोर्शन में आए हैं, ये लेडीज़ का एरिया है, तो यहाँ पर हमको दो लेडी गेस्ट भी मिले, जो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उन लोगों ने हम लोगों से बहुत अच्छी तरह से बात भी किया। और आप लोगों ने देखा कि यहाँ की पेंटिंग्स वगैरह कितनी खूबसूरत है। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और दूसरी जगह जाएंगे, जो सोने की हवेली के नाम से फेमस है। अभी हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं और उस जगह पर बोलते हैं कि वहाँ पर पीके बजरंगी भाईजान और बहुत सारी शूटिंग्स वगैरह भी हुई है। तो चलिए हम भी चलते हैं और देखते हैं। अभी थोड़ा सा रास्ते में अंधेरा हो गया है, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हम चलते ही जाएंगे। यहाँ पर बजरंगी भाईजान और पीके की शूटिंग हुई है। ये वो रास्ते हैं, अभी रात हो चुकी है तो इतना कुछ समझ में नहीं आता। मंडावा कोठी, बाइक की तो टिकट लगेगी तो नहीं, और बाकी की भाई लगेगी।
पूरी सोने की पेंटिंग है, शेखावाटी के अंदर बना है। शेखावाटी के अंदर आपको ये एक ही हवेली है जो इसके अंदर आपको गोल्ड की पेंटिंग मिलेगी। उसके बाद में आते हैं लड़िया। लड़िया हुई जो बिजनेस वाले जो उनका काम चलता था एंटीक का, उन्होंने सबसे छोटी छोटी हवेली बनाई। उसके बाद ये सराफ लोगों ने क्या हुआ, सबसे बड़ी बड़ी हवेली बना चुकी जिसके लिए कॉम्पिटिशन होता था। हवेलियों के अंदर आपको गोल्ड की पेंटिंग मिलेगी। और राधा कृष्ण जी, ये रहा सलमान भाई। ये वो, ये कौन है साथ में इनके? इनके मालिक है, ये अवेली कुमार जी है। अच्छा अच्छा, क्या होते हैं मैडम? आप वहाँ बैठो, बार सभी लोग सब लोग वहाँ बताओ, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगे वीडियो में। ये क्या बोलते हैं इसको? इस हवेली को बोलते हैं झुंझुनू वाला हवेली, झुंझुनू वाला गोल्डन हवेली। ये जितने भी ग्लास है, जो बेल्जियम ग्लास है, पहले लाइट आती थी तो रिफ्लेक्शन से लाइट आती थी। और यहाँ पे एक वॉचमैन खड़ा रहता, वो वॉचमैन वो होता था जो गूंगा, बेरा और अंधा हो। अच्छा, क्यों? ये था कि ये बिजनेस रूम होता था, जब बोला ना कि बैठक, जब फैमिली तो बैठे ही होगी, गेस्ट रूम वगैरह बिजनेस के लिए। यानी कि ऊपर तो ये जो खिड़की है ना, जो खिड़की देख रहे हो आप, वो होती थी औरतों के लिए। पूरी यहाँ पे वो बंद खड़ा रहता था हवा देने के लिए, तो वो घूंगा बहरा हो कि बिजनेस वगैरह सुन ना पाए और किसी को जाके कह नहीं। लेकिन ये कौन से है? ये हवेली किसी राजा के लिए तो ये राजा की नहीं होती, ये हवेली होती है अग्रवाल बढ़िया लोगों की। अच्छा, जो मर्चेंट होते थे, जो बिजनेस वाले होते थे, उनकी लास्ट से लेके यहाँ तक ये पूरी हवेली है सराफों की। सराफ जो होते थे बिजनेस वाले। ये है तीन देवियां हवेली की। हो गया, आ जाओ। और अभी हम लोग हवेली के दूसरे पोर्शन में आए हैं, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है और इसके अंदर जो भी सामान है वो सब पुराने टाइप का सामान है। आप देख सकते हैं
कि दीवारों के कलर जा चुके हैं, दीवारों से के कलर गिर गए हैं, झड़ रहे हैं और बहुत ही अंधेरा है अंदर। तो अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो हम लोगों को डर भी लग रही थी, तो हम लोग फिर अंदर नहीं गए, बाहर से ही गेट के पास से ही वापस आ गए बस। और तो इस दूसरी हवेली के अंदर हम लोग नहीं गए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो जहाँ पर थोड़ी सी लाइट थी तो वहाँ पर ही हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। तो यहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह है और थोड़ा पुराने ज़माने का सामान है, सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। और बस बस हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग घर जाएंगे। और ये हवेली का नाम है RD झुनझुनवाला हवेली, जो गोल्ड हवेली के नाम से भी बहुत फेमस है। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं घर के लिए, और रास्ते में हमको पानी पूरी वाला मिल गया है, तो हम सब लोग पानी पूरी खा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा यमी बनी थी, बहुत टेस्टी थी। तो हम लोग पानी पूरी खा कर बस अभी घर जाएंगे। होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग या किसी रेसिपी में, तब तक बाय, अल्लाह हाफिज़।